हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट, माई सेल्फ डॉक्टर हैदर सर। बच्चों, इस बार जो हमारा सेशन है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पे हम लोग काम करेंगे। जितनी भी बुक हैं मार्केट में बायोलॉजी की, सभी के एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे इस पूरे सेशन। थ्योरी तो जितनी पढ़ानी थी हमने पढ़ाई दी, अगर ज़रूरत पड़ेगी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा तो उसकी थ्योरी हम पढ़ाएंगे। लेकिन इस साल पूरा फ्री मटेरियल, जितने भी बुक हैं अवेलेबल मार्केट में, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ए टू जेड। तो अब ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराने जा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हमने शुरुआत की है ए टू जेड बुक की। कौन सी बुक? ए टू जेड बुक। ए टू जेड बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ टॉपिक से कम इसके अंदर 200 से 250 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मिलेंगे। तो ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। टॉपिक 1, सेल स्ट्रक्चर एंड प्रोकैरियोटिक सेल। सब कुछ मिला आपको, जैसे बुक में लिखा हुआ मिलेगा सब कुछ यहाँ वैसे ही मिलेगा। टॉपिक 1, सेल स्ट्रक्चर एंड प्रोकैरियोटिक सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी तक, ये क्वेश्चंस हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो पहला क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, बताइए फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। ठीक है ना, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है? ठीक है ना, पहला ऑप्शन नर्व सेल, दूसरा ऑप्शन आपका है बच्चों माइकोप्लाज्मा। दूसरा ऑप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा है, दूसरा ऑप्शन माइकोप्लाज्मा है। ठीक है ना, और ये बच्चों सी रहेगा, सी ऑप्शन है ऑस्टिच एग, और डी है बच्चों आरबीसी। तो क्या आंसर होना चाहिए सारे बच्चे बताएं, लार्जेस्ट पूछा है, क्या होना चाहिए? एग ऑफ एन ऑस्टिच। माइकोप्लाज्मा जो होता है सबको पता है कि ये स्मॉलेस्ट है, क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट सेल होती है, है ना। नर्व सेल जो होती है ये लॉन्गेस्ट सेल होती है, क्या होती है ये? लॉन्गेस्ट सेल। आरबीसी सबको पता है राउंड एंड बाई कॉनकेव होती है, है ना, 120 डेज लाइफ स्पैन होता है, या हम कहें 4 मंथ होता है, या 17 वीक 2 डेज कहें। ठीक है ना बच्चों, आरबीसी के बारे में सुन लो सारी बातें, 4.5 ये मिलियन होती है, 4.5 से 5.5 मिलियन पाई जाती है ना। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सबको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल बाय, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है? पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। तीसरा ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। चौथा है एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जीनोमिक डीएनए, स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मिड, क्या जाएगा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, है ना। ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, वेक्टर की तरह काम करता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं, यानी वही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मैच करी कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशंस, कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है? इसको थोड़ा सा हम ऊपर आपको दिखाते हैं इस पे लाके। अब सब लोग, आप लोग बता दीजिए, वैसे ही इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना।
अब इसमें देखिए, ये रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये है सबको पता है, ये क्या है बच्चों, आरबीसी, ठीक है ना। आरबीसी के बारे में अभी डिस्कस किया, राउंड एंड बाई कॉनकेव शेप होती है, ठीक है ना। राउंड एंड बाई कॉनकेव ये देखिए, है ना, ये मैच करेगा यही, है ना। अब बताइए ये कौन सी सेल है बच्चों, आपको इलांगेटेड सेल कौन सी दिख सकती है, ट्राइकीट्स इलांगेटेड होती है, यानी इसका अगला ऑप्शन आगे है, ठीक है ना, अगला ऑप्शन आगे है। और ये वाली अगर हम लोग बात करें आगे, ये भी देख लीजिए आप लोग, है ना, दिख रहा है सभी को। अब अगर ये देखिए, ये क्या है बच्चों, ट्राइकीट्स है, वो वाइड डब्ल्यू बी सी आपको दिख रही थी, है ना। डब्ल्यू बी सी कैसी होती है, अमीबॉइड होती है। कॉलमनार सेल्स आपको देखने को मिल रही है, कॉलमनार सेल्स, ठीक है ना, यानी मेसोफिल सेल्स, सॉरी मेसोफिल सेल थी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इस वजह से ऑप्शन सही मैच नहीं हो रहा है, है ना, लेकिन आप देख के बिल्कुल बता सकते हैं, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन बच्चों, ए का थ्री एल बी फोर एम सी वन, यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्लियर है। चलिए, हालांकि अगली बार से एक ही पे कराएंगे। विच इज़ नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम्स। फटाफट बताइए बच्चों, न्यूक्लियस नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ होगा, यानी पांच का कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। विच लेयर ऑफ सेल इनवेलप डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलेप्सिंग से बचाता है, ये होता है बच्चों सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80S होता है, सबको पता है ये बातें। चलिए अगला ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मीजोसोम, मीजोसोम्स आर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल वेसिकल्स ट्यूबुल्स लेमेलाई लाइक, दे हेल्प इन रिस्पायरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइमेटिक कंटेंट, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, यानी कौन सा ऑप्शन बच्चों, डी ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना। कोई इसमें क्या है, कोई जो है सब सही है। विच ऑफ दी फॉलोइंग सीन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा होगा बच्चों किरण, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पढ़ाया था, किरण आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रियोल इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस। तो क्या लगाओगे इसमें, सीन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो राइबोसोम, राइबोसोम 70S, बहुत सारे लोग राइबोसोम मार देंगे, और जहां तुमने राइबोसोम किया गए, पूछो क्यों, क्योंकि राइबोसोम यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में होता है, सिर्फ और सिर्फ मीजोसोम होता है, क्या जाएगा, मीजोसोम। मीजोसोम ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के अंदर, इट इज इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल। चलिए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टेरियल सेल, ग्लाइकोकैलिक्स, ये सब अच्छे क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, रॉन्ग। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर इन ऑफ बैक्टेरिया, ग्लाइकोकैलिक्स कुछ भी लूज शीत लेयर कॉल्ड कैप्सूल, लूज शीत लेयर को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्लाइम लेयर, ठीक है ना। कैप्सूल थिक एंड टफ होता है जो, उसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल्स, यानी ये दो गलत हो गए। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड फिम्ब्रियाई, ठीक है ना। तो यहाँ भी बच्चों अगर हम लोग गलत ऑप्शन देखें, बी सी आर रॉन्ग, ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, 10 का सी, क्लियर है सभी को। अब ये देखो, रिकॉग्नाइज द फिगर फाइंड आउट द करेक्ट, अब इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर, ये भी थोड़ा सा नीचे कर दिया है, हालांकि इसको ऊपर रखना चाहिए था, हम थोड़ा सा कर रहे हैं आप लोगों को, एक ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन फिलहाल के लिए डिस्कस करते हैं। बताइए, ये सबको पता है नर्व सेल है, क्या है ये, नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये कॉलमनार सेल है, क्या है बच्चों, ये कॉलमनार सेल है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अ नर्व सेल लॉन्ग एंड नैरो, बी वाली ट्रैकीट कह रहा है, गलत, पहला तो गलत हो गया, नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, बी ट्रैकीट गलत,
Nerve cell long and branch, columnar epithelium long and narrow. Nerve cell branch and long, columnar epithelium as elongated. ठीक है ना, elongated नहीं होगी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डी ऑप्शन जाएगा. क्या जाएगा? 11 का डी. बढ़िया सवाल था. Omnicellular cell generalization given by Rudolf Virchow. क्या लगाओगे? विर्चो 1855 की बात थी. बैक्टीरियम शोज रैंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला. बैक्टीरियल फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना होता है? बट फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. फिलामेंट्स, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है ना. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बताओ फटाफट, कौन होंगे बच्चों? न्यूक्लियोलस और किरण बताया था. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स किरण, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, इन्क्लूजन बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, ठीक है ना. तो 14 का डी हो जाएगा. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट को मार्क करिए इसमें से, ठीक है ना. प्रोकैरियोट्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकेरियोटिक सेल्स, ठीक. ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी अ लूज शीट लेयर कॉल्ड स्लाइम लेयर एंड सम व्हाइल अदर्स कॉल्ड द कैप्सूल, ठीक है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज स्ट्रक्चरली डिससिमिलर टू दैट ऑफ यूकेरियोट, जबकि क्या होती हैं? मेम्ब्रेन सिमिलर होती हैं, ठीक है ना. तो इनकरेक्ट. क्रोमेटोफोर्स आर द मेम्ब्रेन एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म साइनोबैक्टीरिया व्हिच कंटेन पिगमेंट्स, कौन सा हो जाएगा बेटा? 15 का सी. क्लियर है सभी को? चलिए. हु प्रपोज्ड सेल लीनेज और सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो विर्चो साहब ने बताया था, है ना. अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन फटाफट बताओ बच्चों. क्वेश्चन नंबर 17. लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजिलम दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड इज कॉल्ड, सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है वो होता है फिलामेंट होता है बच्चों. पहला ऑप्शन. हु फर्स्ट साइन डिस्क्राइब लाइव सेल. लाइव सेल की बात कर रहे हैं, नॉट डेड सेल. अगर मैं इसको कह दूं डेड सेल तो ऑप्शन रॉबर्ट हुक जाएगा. क्या जाएगा? रॉबर्ट हुक. लाइव एल फॉर लाइव, एल फॉर एल, लिविन हाइक मिलाओ, ठीक. लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बना किससे होता है? 70s, 50s प्लस 30s. बड़ा कौन? 50s. कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन. साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की जो होती है 15 nm से 20 nm होती है बच्चों. यही जो होता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम. ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहा जाता है राइबोसोम को. सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनेल कहा जाता है राइबोसोम को. प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को. चलो. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर जनरली, कितनी बार पूछोगे रिपीट करके वही क्वेश्चन बार बार. प्रोकैरियोटिक 70s होगा. क्या होगा? 70s, ठीक है ना. रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट दी करेक्ट स्टेटमेंट. बताना है बच्चों. तो शेप ऑफ सेल में वेरी विद दी फंक्शन दे परफॉर्म. सही बात है. प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, बिल्कुल सही है. Schleiden एंड श्वान. Schleiden जर्मन बॉटनिस्ट, बेस्ड ऑन हिस्ट्री प्लांट टिश्यू डेट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स. ये गलत हो गया, ये बात नहीं कही थी. बेस्ड ऑन देयर स्टडीज ऑन प्लांट एनिमल, श्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, प्रपोज दी हाइपोथेसिस ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. थी Schleiden एंड श्वान मॉडिफाइड सेल थ्योरी, थीसिस ऑफ रूडोल्फ विर्चो एंड गिव सेल थ्योरी इन अ फाइनल शेप. पूछा क्या है बच्चों? करेक्ट. तो एक इनकरेक्ट, बाकी सब करेक्ट, लेकिन एक ऑप्शन और गड़बड़. Schleiden श्वान मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ रूडोल्फ विर्चो. ए बी डी यानी बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट 22 का डी होगा. क्या होगा? 22 का डी होगा बच्चों, ठीक है ना. यहाँ पे Schleiden श्वान की थ्योरी को मॉडिफाई किया था रूडोल्फ विर्चो ने, उल्टा दे रहा है स्टेटमेंट. डी ऑप्शन. अच्छा सवाल था. सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग वॉज डिस्कवर्ड बाई सेल एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक. दिया हुआ है, वही लगा दो. बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं सिंगल mRNA. ये भी पूछेगा सिंगल mRNA से. कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? दवा खा लो, छूट जाएगा सेल डिवीजन. आ जाना पढ़ने, आराम करके आ जाना. सिंगल mRNA फॉर्म चेन कॉल्ड पॉली राइबोसोम. क्या कहेंगे हम लोग? पॉलीसोम कहें या पॉली राइबोसोम?
दोनों कह सकते हैं तो बोथ ए एंड बी डी ऑप्शन जाएगा। देखो थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, पक्का एक मार के आओगे तुम, कोई एक टिक करोगे। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, ठीक है ना। चलिए बैक्टीरियल सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप, द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्स, दैट इज आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होती है बच्चों, है ना, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, ठीक है ना, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, डेस्मोसोम, ऑल ऑफ दीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ बेटा फटाफट क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बॉडी या पर्पल ग्रीन, बच्चों क्या होगा बोथ ए एंड बी, क्या होगा बोथ, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट राइबोसोम ही जाएगा, 70s 80s, है ना। चलिए मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूएन ऑप्शंस, मैच करना है माइकोप्लाज्मा 0.3, है ना, तो बताओ ए का एन, ए का एन, ए का एन, दो ऑप्शन, दो तो गए, दो गए, ये गए, है ना। अब बताओ फटाफट आरबीसी की 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, तो बी का एम, बी का एम, बी का एम, भैया सी ऑप्शन सही हो गए, है ना, सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो बच्चों ये हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया है ये फर्स्ट ज़बरदस्त टॉपिक था, ए टू जेड बायोलॉजी टॉपिक, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेक्शन ए का मैंने क्वेश्चन ख़त्म किया। ये बुक कौन सी है बच्चों, ए टू जेड, ए टू जेड बुक का हमने 30 क्वेश्चन कवर किया। ऐसे ही बच्चों पूरे क्वेश्चन इस साल जितनी बुक है सबसे पहले हम लोग ए टू जेड ख़त्म करेंगे, 2-3 महीने में ये ख़त्म हो जाएगी ए टू जेड। उसके बाद हम जो है फिंगर टिप्स पूरी सॉल्व कराएंगे, फिर गियर अप पूरा कराएंगे, फिर मास्टर एनसीईआरटी कराएंगे, जितनी बुक हैं सारी बुक सॉल्व होंगी इस बार, किसी भी इंस्टीट्यूट की हों, जितनी भी बुक होंगी, कहीं की भी बुक हों, सारे एमसीक्यूज इस साल पूरे सेशन सिर्फ एमसीक्यूज, जिसको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं वो आए इस चैनल पे अब, ठीक है ना। सिर्फ इस साल क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सब कराएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से आप जो भी टॉपिक चल रहे हैं आप यहाँ से क्वेश्चन लगा लीजिए, फटाफट क्लियर हो जाएगा आपका, है ना बच्चों। ओके बाय बच्चों।